तो दोस्तों बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी मैंगो जाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप एक बार मैंगो की आइसक्रीम तो बना करके खिला दो। तो मैंने ये मैंगो आइसक्रीम बनाई और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसे मैंने बिना गैस जलाए बनाया है, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं इसे बनाने में और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट ये आइसक्रीम बनी है। तो आप भी प्लीज़ एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा सीजन जाए उससे पहले। पास से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक मिक्सी जार, और ये मैंने लिए हैं 3 आम। ये दशहरी वाले आम हैं, आप कोई भी आम ले लीजिएगा। 3 आम लिए हैं मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट ये अमूल क्रीम का। तो ये पूरी क्रीम हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास में क्रीम ना हो तो आप मलाई और थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, और वैसे तो आजकल मार्केट में ये क्रीम भी इजीली मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रीम ना डालना चाहें तो आप मलाई और थोड़ा दूध ले लीजिएगा। तो ये पूरी क्रीम मैं इसमें डाल देती हूँ, साथ में डाल देती हूँ आधा कटोरी करीब दूध, या फिर 1 छोटा कप भी आप मान सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी करीब ही मिल्क पाउडर, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो अगर हो सके तो आप ज़रूर डालिए, नहीं डालना चाहे तो स्किप कर दीजिए। आधा कटोरी करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी, और अब हमें क्या करना है, इसे पीस लेना है अच्छे से। चीनी अच्छे से पीस जानी चाहिए, इसकी क्रिस्टल इसमें नहीं रहने चाहिए। तो करीब 2-3 मिनट के लिए हम कंटिन्यू मिक्सी को चलाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पेस्ट बना है। बस इस तरह का हमें बनाना है। अगर चीनी के क्रिस्टल्स इसमें रह जाएंगे ना तो वो आइसक्रीम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ज़रूरी है कि सभी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाए और काफ़ी सॉफ्ट टेक्स्चर इसका हो जाए। ये देखिए, तो अब हम इसे किसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहे तो डिस्पोजेबल ग्लास में भी जमा सकते हैं, डिस्पोजेबल कप में जमा सकते हैं, स्टील के ग्लास में जमा सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। अब मैंने इस पर लगा दिया एल्यूमिनियम फोइल ताकि इस पर आइस क्रिस्टल्स ना आए। बंद कर देते हैं और इसे अब हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो मैंने ये आइसक्रीम नाइट में जमाई है, मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी है। फ्रीज़र में रख देते हैं। अगर आप इसे दिन में जमा रहे हैं तो 3-4 घंटे के बाद में आप इसे वापस से मिक्सी जार में डाल करके चला दीजिएगा, तो बहुत ही क्रीमी ये आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था और मैंने नाइट में ही आइसक्रीम जमाई थी, तो मॉर्निंग में ये देखिए कितनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं। और अब मैं इसे इस डब्बे से निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी बनी है ये देखिए। तो दोस्तों इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी को देखिए। उम्मीद है मुझे कि आपको वो सभी रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे पानी में रख दिया था, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है, बिना गैस जलाए इतनी लाजवाब ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। ये देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना, तो देर किस बात की, आम का सीजन जाने वाला है, जल्दी से किचन में जाइए और ये आइसक्रीम बना लीजिए, खुद भी खाइए और सभी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। और यकीन मानिए इसे खाने के बाद में कोई भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, और सभी ये पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।